नमस्कार दोस्तों, अडेनियम हमेशा एक फेंसुई आइटम रहा है। आज भी ये एक बड़ा रहस्य बना जाता है पौधा। ये इस पौधे को पानी बहुत कम चाहिए, पानी बिल्कुल ना के बराबर चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि इसको पानी से बचाना होता है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपका चल नहीं पाएगा। तो हमें इसको पानी बिल्कुल ना के बराबर, देखिए कितना फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो इसका तना देख रहे नीचे, ये मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड प्लांट है। काफ़ी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी सुंदर कलर है इसमें, अच्छा कलर है ये। आप भी लगा सकते हैं अडेनियम, इसी कलम भी लगा सकते हैं। कलम लगाइए तो इसमें पानी बिल्कुल मत दीजिए और शेड में रखिए, और ताकि पानी उसमें ना मिले, धूप हल्की फुल्की मिले, ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर इसमें खाद डाल देंगे, गोबर खाद, तो पौधा सड़ जाएगा। इसमें आपको बालू में लगाना है इसको, बालू और मिट्टी 70% या 60% बालू हो, 30% या 40% मिट्टी हो, मिक्स करके आप इसको कलम लगा दीजिए। और 1-1.5 महीने में कलम इसकी लग जाती है। पहले इसमें कलम में छोटे छोटे पत्ते आ जाएंगे, फिर धीमे धीमे से नीचे जड़ें आएगी। अभी देखिए इसमें फूल जो है, ये देखिए, देखिए आप, ये फूल ख़त्म हो चुका है। और अभी इसमें 2 सींग जैसे सीड निकलेंगे, काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल। अडेनियम कई कलर्स में आता है, इसको रोज़ ऑफ डिज़र्ट भी बोलते हैं, बहुत खूबसूरत पौधा।